हाजरीन और सामईन, तमाम धड़कते दिलों को आपकी दोस्त सहर का प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज एक बार फिर टीवी फॉर यू और IBS रेडियो के तवसत से जश्न आज़ादी पाकिस्तान का खसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान का दिन है, जो पूरे मुल्क में जोश व खरोश और कौमी मोहब्बत के भरपूर जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस दिन सरकारी छुट्टी भी होती है। हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान हुबल वतनी के जज्बे से सरशार मिल्ली नगमे गुनगुनाता है और पूरी कौम खुशी से झूमती और आज़ादी का जश्न मनाती है। पूरे मुल्क में रोशनी और रंगों का सैलाब और सब्ज़ हलाली परचम की बहार हर गली और हर घर में दिखाई देती है। हर शहरी आज़ादी की फिजा में सांस लेते हुए फ़ख्र से सरशार होता है। और क्यों ना हो कि हर जिंदा कौम अपनी आज़ादी को ऐसे ही मनाती है। दोस्तों, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल का कलील अरसा गुजर चुका है। इस तवील अरसे में हम अपनी तारीख के कितने ही गोशों से नावाकिफ रहे। हम अपनी योम आज़ादी की तकरीब हर साल 14 अगस्त को और हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क इंडिया अपनी यही तकरीबात 15 अगस्त को मनाता है। यह सवाल उठता है कि दो मुल्क जो एक साथ आज़ाद हुए हों, इनके योम आज़ादी में एक दिन का फ़र्क कैसे आ गया। हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को आज़ाद हुआ और इस दिन जुमातुल विदा का मुबारक दिन था और 14 अगस्त 1947 की तारीख थी। लेकिन दोस्तों, जब हम तारीख के औराक पलटें या 14 अगस्त 1947 की तकवीम देखें तो इस दिन तो जुमेरात थी और हिजरी की तारीख 26 रमज़ानुल मुबारक बनती है। अगर हम तारीख की वर्गर्दानी करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अगर हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो आज़ादी के 11 माह बाद शाया होने वाले डाक के टिकटों पर योम आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 क्यों दर्ज हुई। और अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमने आज़ादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई। और फिर ये कि आज तक ये सालगिरह 15 के बजाय 14 अगस्त को ही मनाते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान चूंकि 1947 के एक एक्ट के तौर पर, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट का नाम दिया गया था, मौरज़ वजूद में आया, जिसे बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किया और जिसकी तौसीक शहंशाह बरतानिया जॉर्ज शशम ने 18 जुलाई 1947 को की थी और जिसका मतन कुछ यूं था, 15 अगस्त 1947 से बरतानवी इंडिया में दो आज़ाद फरमानरवा ममलकतें कायम की जाएंगी जो बिलतरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से मंसूब होंगी। हुकूमत बरतानिया ने ये ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होंगे, मगर मसला ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को 15 और 14 अगस्त 1947 की दरमियानी शब नई दिल्ली में इंडिया की आज़ादी का ऐलान करना था और मुंतखब हुकूमत का इक्तदार मुंतकिल करना था और ख़ुद आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का ओहदा संभालना था। इसका हल निकालने के लिए एक तजवीज़ रखी गई जिसके तहत 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची तशरीफ़ ले आए और इसी रात को कराची के गवर्नर जनरल हाउस में इनके एजाज़ में एक इशाया दिया गया जिससे ख़ताब करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मैं मुल्क मुअज़्ज़म की सेहत का जाम तजवीज़ करते हुए बेहद मुसर्रत महसूस करता हूँ। ये एक नहायत अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों को मुकम्मल इक्तदार मुंतकिल होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्रर दिन दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलकतें पाकिस्तान और इंडिया मौरज़ वजूद में आ जाएंगी। मुल्क मुअज़्ज़म की हुकूमत के इस फैसले से वो आला वरफा नस्बुलैन हासिल हो जाएगा जो दौलत मुश्तरक के क्याम का वाहिद मकसद करार दिया गया है।
अगले रोज जुमेरात 14 अगस्त 1947 बमुताबिक 26 रमज़ानुलमुबारक 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असम्बली बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का खसूसी इजलास शुरू हुआ। कुर्सी सदारत पर दस्तूर साज असम्बली के सदर मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ फरमा थे और इनके बराबर में लॉर्ड माउंट बैंटन की नशिस्त थी। दोनों अकाबर ने जब अपनी अपनी नशिस्तें संभाल ली तो कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो गया। सबसे पहले लॉर्ड माउंट बैंटन ने शाह बरतानिया का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें जिन्ना को मुखातिब करते हुए कहा गया था, बरतानवी दौलत मुश्तरका की अकवाम की सफ में शामिल होने वाली नई रियासत के क़याम के अजीम मौका पर मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जिस तरह आज़ादी हासिल की है वो सारी दुनिया के हुर्रियत पसंद आवाम के लिए एक मिसाल है। मैं तवक्कुल रखता हूँ कि बरतानवी दौलत मुश्तरका के तमाम अराकान जमहूरी असूलों को सरबुलंद रखने में आपका साथ देंगे। अपनी इस तकरीर में लॉर्ड माउंटबेटन ने वाज़ अल्फाज में कहा, आज मैं आप सबसे आपके वासराय की हैसियत से ख़िताब कर रहा हूँ। कल नई डोमिनियन पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में होगी और मैं आपकी हमसाया डोमिनियन इंडिया का आइनी सरबरा बनूँगा। दोनों मुल्कों के कायदीन ने मुझे जॉइंट डिफेंस काउंसिल का गैर जानबदार चेयरमैन बनने की दावत दी है। ये मेरे लिए एक आज़ाद है जिस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। कल दो नई खुद मुख्तार रियासतें दौलत मुश्तरका में शामिल होंगी। ये नई अकवाम नहीं हैं बल्कि ये कदीम काबिल फ़ख्र तहजीब व तमदन की वारिस कौमें हैं। इन मकम्मल तौर पर आज़ाद होने वाली रियासतों के लीडर बड़े मुदब्बिर हैं, दुनिया भर की निगाहों में एहतराम से देखे जाते हैं। इनके यहाँ शायरों, फ़लसफ़ादानों, साइंसदानों और अफवाज ने इंसानियत की खिदमत के लिए काबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी हैं। इन रियासतों की हुकूमत ना तजर्बाकार और कमज़ोर नहीं है बल्कि दुनिया भर में क़याम अमन और तरक्की के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की पूरी सलाहियतें रखती है। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जिन्ना ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया। इन्होंने सबसे पहले शाह इंग्लैंड और वायसराय का शुक्रिया अदा किया और इन्हें यकीन दिलाया कि हमारा हमसायों से बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात का जज्बा कभी कम ना होगा और हम सारी दुनिया के दोस्त रहेंगे। असम्बली की कार्रवाई और ऐलान आज़ादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन के हमरा शाही बग्गी में गवर्नर जनरल हाउस वापस आए। दोपहर 2 बजे लॉर्ड माउंटबेटन नई दिल्ली रवाना हो गए, जहां इसी रात 12 बजे इंडिया की आज़ादी के ऐलान के साथ इन्हें इस मुल्क के गवर्नर जनरल का मनसब संभालना था। लॉर्ड माउंटबेटन के ऐलान आज़ादी के मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी ममलकत का इजाफा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। एन इसी वक्त लाहौर, पेशावर और ढाका से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ। इससे कबल 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात लाहौर, पेशावर और ढाका स्टेशन से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ने अपना आखिरी ऐलान नशर किया। 12 बजे से कुछ लम्हे पहले रेडियो पाकिस्तान की शनाख्ती धुन बजाई गई और जहूर आज़र की आवाज़ में अंग्रेज़ी ज़बान में फ़जा में एक ऐलान गूंजा कि आधी रात के वक्त पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलकत मारज़ वजूद में आ जाएगी। रात के ठीक 12 बजे हज़ारों सामेईन के कानों में पहले अंग्रेज़ी और फिर उर्दू में ये अल्फाज गूंजे, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अंग्रेज़ी में ये ऐलान जहूर आज़र ने और उर्दू में मुस्तफ़ा अली हमदानी ने किया। इस ऐलान के फौरन बाद मौलाना ज़ाहिरुल कासमी ने कुरान मजीद की सूरह फतह की आयात तलावत फरमाई।
जिसके बाद इनका तर्जमा नशर किया गया। बाद अज़ां ख्वाजा खुर्शीद अनवर का मरतब किया हुआ एक खसूसी साजीना बजाया गया। फिर संतो खान और इनके हमनवाओं ने कव्वाली में अलामा इकबाल की नज़्म साकीनामा के चंद बंदिशें पेश की। इन नशरियात का अख्तिताम हफीज होशियारपुरी की एक तकरीर पर हुआ। आधी रात के वक्त ही रेडियो पाकिस्तान पेशावर से आफ्ताब अहमद बिस्मिल ने उर्दू में और अब्दुल्ला जान मखमूम ने पश्तो में पाकिस्तान के क़याम का ऐलान किया, जबकि तलावत कुरान पाक का शर्फकारी फिदा मोहम्मद को हासिल हुआ। इन नशरियात का अख्तिताम जनाब अहमद नदीम कासमी के लिखे हुए एक नगमे पर हुआ, जिसके बोल थे, पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो। ठीक इसी वक्त ऐसी नौयत का ऐलान रेडियो पाकिस्तान ढाका से अंग्रेज़ी में कलीमुल्ला ने किया। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के एक सरकारी वफ्द ने लंदन के लैंकाशायर हाउस में बरतानवी हुकाम को पाकिस्तान का परचम पेश किया और 15 अगस्त 1947 की सुबह को रेडियो पाकिस्तान लाहौर की ट्रांसमिशन का आगाज़ 8 बजे सूरह आले इमरान की मुंतखब आयात से हुआ। आयात कुरानी की तलावत के बाद अंग्रेज़ी खबरों का आगाज़ हुआ, जो न्यूज़ रीडर नोबी ने पढ़ी। खबरों के बाद ठीक 8:30 बजे मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ में एक पैगाम सुनवाया गया, जो पहले से ही रिकॉर्ड शुदा था। जिन्ना की तकरीर का आगाज़ इन अल्फाज से हुआ, जिसका तर्जुमा ये था, बेपाया मुसर्रत और एहसास के जज्बात के साथ मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि 15 अगस्त आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान की पैदाइश का दिन है। ये मुस्लिम कौम की मंजिल मकसूद की अलामत है, जिसने पिछले चंद बरसों में अपने वतन के हसूल के लिए अजीम कुर्बानियां पेश की। अपने इस खिताब में जिन्ना ने पाकिस्तान के तमाम शहरियों को पाकिस्तान की खुद मुख्तार ममलकत के क़याम पर मुबारकबाद पेश की और यह भी कहा कि इस नई ममलकत के वजूद में आ जाने से पाकिस्तान के बाशिंदों पर जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। अब इन्हें दुनिया को ये साबित करके दिखाना है कि किस तरह एक कौम जिसमें मुख्तलिफ अनासर शामिल हैं आपस में प्यार और मोहब्बत और सुलह व आश्ती के साथ रहती है। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 की सुबह को अखबारात ने पाकिस्तान के योम आज़ादी के हवाले से खसूसी शुमारे भी शाया किए और अंग्रेज़ी के मशहूर अखबार डॉन ने कराची से अपनी अशात का आगाज़ किया। इस खसूसी अशात की शह सुर्खी ये थी कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे, लॉर्ड माउंटबेटन। इस सुर्खी के नीचे शाया होने वाली खबर में लॉर्ड माउंटबेटन की इस तकरीर का मुकम्मल मतन दर्ज किया गया था, जिसका तस्करा प्रोग्राम के शुरू में किया गया है। डॉन के इस ज़मीमे में कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक पैगाम भी शामिल था, जो 10 औरंगज़ेब रोड नई दिल्ली से जारी किया गया था। दोस्तों, इस पैगाम के इजरा की तारीख तो हमें मालूम नहीं, मगर ये बात यकीनी है कि यह पैगाम 7 अगस्त 1947 से पहले जारी हुआ था। इस पैगाम में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मुझे बताया गया है कि रोज़नामा डॉन का पहला शुमारा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची से मुकर्रर दिन 15 अगस्त को शाया किया जाएगा। दोस्तों, हम लोगों में से शायद कुछ लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत पहले कराची था, जो बाद में इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गज़ट भी जारी हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया और इसी दिन से इनका ये ओहदा संभालने की इतला दर्ज की गई और इसी रोज़ ही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अब्दुल रशीद ने जिन्ना से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ लिया और इसी रोज़ नवाबजादा लियाकत अली खान की क़यादत में पाकिस्तान की पहली काबीना के अरकान ने भी अपने ओहदों के हल्फ उठाए।
इसके अलावा 1948 की जिन सालाना तातीलात का ऐलान किया गया था, इनमें 1948 के लिए योम पाकिस्तान की तातील के आगे 15 अगस्त 1948 की तारीख दर्ज है और ये मरासला शायद नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इस्लामाबाद में अब तक महफूज भी है। यहाँ पर तारीख की वर्गर्दानी करते हुए एक बात और भी सामने आई कि 1948 की पहली सहमाही में पाकिस्तान के महकमा डाक ने पाकिस्तान के इब्तदाई डाक टिकटों की डिज़ाइनिंग और तबाद के काम का आगाज़ किया। ये 4 डाक टिकटों का सेट था जिनके इब्तदाई 3 डाक टिकट एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के मुसव्वरों रशीदुद्दीन और मोहम्मद लतीफ़ ने मुश्तरका तौर पर डिज़ाइन किए थे, जबकि 4th डाक टिकट और इसके साथ शाया होने वाला फोल्डर मुल्क के अजीम मुसव्वर अब्दुलरहमान चुगताई की तख्लीक था। ये डाक टिकट बरतानिया के तबाती इदारे मेसर्स थॉमस डिलारो में तबाह हुए थे और 9 जुलाई 1948 को फरोख्त किए गए थे। इन पर भी पाकिस्तान के योम आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 लिखी गई थी। गोया जिस वक़्त ये डाक टिकट डिज़ाइन हुए और अशायद के लिए बरतानिया भेजे गए, इस वक्त तक ये बात तय थी कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। दोस्तों, ये मुहिमा तो एक मुहिमा ही है कि अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो फिर उसकी आज़ादी की सालगिरह 14 अगस्त को क्यों मनाई जाती है। तारीख की वर्गर्दानी करते हुए एक बात ज़रूर मालूम हुई कि 29 जून 1948 को वज़ीर-ए-आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की सदारत में कराची में पाकिस्तानी काबीना का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-खारजा, वज़ीर-ए-मुवासलात, वज़ीर-ए-कानून, वज़ीर-ए-मुहाजरीन और आबादकारी और वज़ीर-ए-खुराक, ज़राअत और सेहत और वज़ीर-ए-दाखला, इत्तला'आत और नशरियात मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के पहले योम आज़ादी की तकरीब 15 अगस्त 1948 के बजाय 14 अगस्त 1948 को मनानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान ने काबीना को बताया कि यह फ़ैसला हतमी नहीं है, वो ये मामला गवर्नर जनरल के इल्म में लाएंगे और जो भी हतमी फ़ैसला होगा वो जिन्ना की मंजूरी के बाद होगा। इन्हीं तारीखी औराक में एक फ़ाइल का ज़िक्र भी आता है जिस फ़ाइल में तहरीर था कि मुअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म ने यह ज़िम्मेदारी संभाली है कि वो क़ायद-ए-आज़म तक ये तजवीज़ पहुँचाएँगे कि हमारी योम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाई जाए। लेकिन इस फाइल में ये तहरीर नहीं कि इस तजवीज़ का महरक कौन था और योम आज़ादी की तकरीबात 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाए जाने के हक़ में क्या दलाइल पेश किए गए हैं। कार्रवाई के आखिर में ब्रैकेट में तहरीर है कि क़ायद-ए-आज़म ने तजवीज़ को मंजूर कर लिया। इसी फाइल के मुताबिक 12 जुलाई 1948 के तहत काबीना के डिप्टी सेक्रेटरी एस उस्मान अली के दस्तखत के साथ तहरीर दर्ज है कि इन्हें हदायत दी गई है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत 29 जून 1948 को मुनक्किद होने वाली काबीना मीटिंग के फैसले से तमाम वज़रा और उनकी वजारत के मुतल्लिका सेक्रेटरीटों को आगाह कर दें ताकि इस फैसले पर अमर दरामद मुमकिन बनाया जा सके। इसी फाइल में एक और हुक्मनामा भी दर्ज है जो 13 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इस पर हुकूमत पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी अहमद अली दस्तखत मौजूद हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया था मुल्क के पहले योम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएंगी। इस दिन मुल्क भर में आम तातील होगी और तमाम सरकारी और अवामी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। इसी सिलसिले में एक हुक्मनामा और भी है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुख्तार के दस्तखत हैं
और इसमें भी वही हुक्म दोहराया गया है जो इससे पिछले वाले हुक्मनामे में दर्ज था, लेकिन इसमें एक बात इजाफी थी और वो ये थी कि इस फैसले से हुकूमत पाकिस्तान की तमाम वजारतों, तमाम डिवीजनों, कैंट सेक्रेटरी, दस्तूर साज असम्बली, कायद आज़म के प्राइवेट और मिलिट्री सेक्रेटरी, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, रेवेन्यूज ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को मतला कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद हुआ और मुल्क भर में पाकिस्तान के पहले भी योम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई गई। ताहम रोजनामा डॉन ने योम आज़ादी के सिलसिले में अपना पहला सालनामा जो 100 सफ़ात के खसूसी ज़मीमे की सूरत में शाया किया गया था 14 अगस्त के बजाय 15 अगस्त को ही शाया किया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इस साल 15 अगस्त को इतवार का दिन पड़ा था और ये दिन किसी अखबारी ज़मीमे की अशायत के लिए मौजूद तरीन दिन भी हो सकता है। पाकिस्तान के योम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाने का ये दस्तूर आज तक जारी है और यूँ रफ्ता रफ्ता ये बात सबके दिमाग में आ गई कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान की आइन साज असम्बली से वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की तकरीर बेशक 15 अगस्त 1947 को थी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि तकरीर 14 अगस्त को हुई थी, जैसा कि भारत ने 15 अगस्त की आधी रात को अपने योम आज़ादी का जश्न मनाने का फ़ैसला किया था। और ये कि लॉर्ड माउंटबेटन के लिए ये मुमकिन नहीं था, जो अभी तक वायसराय थे, एक ही दिन कराची और नई दिल्ली दोनों में मौजूद होते। चुनाचा मिस्टर जिना और लॉर्ड माउंटबेटन दस्तूर साज असम्बली से ख़िताब के दौरान एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। इसकी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि माउंटबेटन अभी वायसराय थे और जिना ने अभी तक गवर्नर जनरल का ओहदा नहीं संभाला था। इसकी एक वजह यह भी है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत जल्दी थी, चुनाचा 14 अगस्त 1947 ही वो दिन था जब पाकिस्तान में योम आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हुआ और भारत ने 15 अगस्त की आधी रात को अपने योम आज़ादी का जश्न मनाने का फ़ैसला किया था। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुल्क किस तारीख को अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। अहम बात यह है कि इसके लोग सच जानते हैं और इसे समझते हैं। हमारे मामले में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने तारीख को 14 अगस्त कर दिया। अहम बात यह है कि अदम तहफ़ और बेचैनी के एहसास को कम करने के लिए काम किया जाए। पाकिस्तान अपने योम आज़ादी के जश्न को जिस दिन चाहे मना सकता है। ज़रूरी बात यह है कि हम पुरमाद पुरम और आज़ाद कौम हैं। प्यारे दोस्तों, आज़ादी का जश्न मनाते वक्त हम अपने हलाली परचम को बड़ी इज्जत और बड़ी मोहब्बत से बुलंद करते हैं, अपने घरों पर लगाते हैं, अपनी गलियों में लगाते हैं और हर तरफ हमें हलाली परचम की बहारें नज़र आती हैं। दोस्तों, जिस तरह हम सर उठाकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं और अपना परचम बुलंद करते हैं, हमें ये चाहिए कि हम अपने परचम की बेहुरमती ना होने दें। और जिस तरह सर उठाकर हम उसे बुलंद करते हैं, अगर सर झुकाकर हम उसे ज़मीन पर गिरे हुए परचम को उठा लें तो हमारी आज़ादी का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। इससे हम ये भी साबित करेंगे कि हम एक ऐसी आज़ाद कौम हैं जो अपने मुल्क के साथ साथ अपने परचम से भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इसकी बेहद इज्जत भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम हम इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे, सलामत रखे। दोस्तों, आइंदा तक के लिए अपनी दोस्त को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह निगहबान।